ये मीनू जी तय करना कि डांस करना है और प्रोफेशनली डांस करना है, ये फैसला भी आसान नहीं होता, क्योंकि अमूमन अब तो खैर स्थितियां थोड़ी बदली हैं, ये स्वीकार करना होगा, लेकिन कुछ साल पहले तक सवाल यही होता था लोगों का कि हाँ ठीक है, कथक कर रहे हो वो तो ठीक है, काम क्या करते हो, या शास्त्रीय गायन सीख रहे हो वो तो बहुत अच्छा है, काम क्या करते हो। तो ये गायन वादन या नृत्य का जो फील्ड है उसके साथ जो एक बहुत बड़ा फैसला होता है कि इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है, प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ना है, ये फैसला कैसे लिया आपने? कि मैं ये कहना चाहूंगी, कोई बचपन से ये कोई क्योंकि यूपी की पैदाइश थी पर पली बड़ी मैं दिल्ली में हूँ, तो ऐसा कोई घर का माहौल भी नहीं था कि जिसमें नृत्य के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाया जाए। घर में किसी ने भी नहीं सोचा था या मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि मैं ये प्रोफेशन लूंगी या आगे जाके एक नृत्यांगना के रूप में मैं अपने देश के लिए काम करूंगी। तो जब ये चीज मैंने शिक्षा जब शुरू की और शिक्षा लेते लेते ही एक ऐसा मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब युवा महोत्सव दिल्ली में होता है, अभी भी होता है और तब भी होता था, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था और उसमें जो रिव्यूज आए थे उसमें मतलब जब मैंने परफॉर्म किया तो मुझे काफी सराहा, जो क्रिटिक्स होते हैं जो संस्कृति के जो हमारे नृत्य क्रिटिक होते हैं उन्होंने जब सराहा और एक तरह से ये कहिए कि प्रोत्साहित किया और गुरुओं ने भी उसमें अपना आशीर्वाद जोड़ दिया, तो इस मतलब प्रोफेशन की और कब निकल गई ये हमें आज तक नहीं पता लगा है। कभी भी सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि मैं शायद ये डेस्टिनी में था इसलिए इस और निकल आया। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने कभी सोचा था, लेकिन अब सोचा तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यही मेरी इच्छा भी थी शायद, क्योंकि जब नृत्य करते हैं तो जो एक फीलिंग होती है, जो एक अंदर का खुशी होती है जो हम भगवान के लिए समर्पित है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य खाली एक नृत्य नहीं है, मतलब मनोरंजन का साधन नहीं है, उसमें साधना है, आराधना है, आपको उस चीज के लिए भगवान से जुड़ना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तो वो जो भावना है उसको लेकर जब नृत्य करते हैं हम तो हमें उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन भी है, एक मतलब मन में एक ये भी रहता है कि भक्ति भावना से हम भगवान से जुड़ गए हैं और उसमें इतना सेटिस्फेक्शन है कि एक प्रोग्राम के बाद फिर लगता है कि और अभ्यास करो और अपनी कला को सुधारो, इस तरह से जो एक फीलिंग आती है उससे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मन में एक संतोष रहता है कि हाँ मैं शायद सही दिशा में। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, थोड़ा सा मतलब मेरे लिए तकनीकी सवाल है, क्योंकि मेरी तो कोई शास्त्रीय नृत्य या संगीत की ऐसी समझ नहीं है, सुनने देखने का शौक है, संस्कार जरूर है। जैसे शास्त्रीय संगीत आप सीखते हैं, मान लेते हैं आपने राग यमन सीखा या राग पीलू सीखा या राग काफी सीखा, तो आरोह अवरोह के बाद जब आप तानों में जाते हैं तो वहां पर आपके सामने एक ग्रामर जरूर होता है कि ये ग्रामर है इस राग का, इस राग के ग्रामर के बीच में ही हमें जो करना है वो करना है, लेकिन ताने आप खुद से अपने आप बनाते हैं, आप जितना ज्यादा उस राग में घुसते जाते हैं उतना ज्यादा बेहतर आप ताने बनाना सीख जाते हैं और फिर वो आप उस तरीके से तानों को आप अपने गायकी में शुमार करते हैं। क्या ये जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें भी इस तरह की आजादी होती है कि ये तो नृत्य के इस पक्ष का ये ग्रामर है, ये तो हमको बिल्कुल हूबहू करना है, लेकिन ये ग्रामर हमको इन चीजों की छूट भी देता है, हमको इस ग्रामर के भीतर रहते हुए कुछ छूट मिलती है क्या नृत्य में? जरूर, देखिए जो बेस है हमारा नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य जो हमारे नाट्य शास्त्र पर आधारित है, नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पणम से ही कुचिपुड़ी का बेसिक जो है वो उस पर ही आधारित है, तो वो उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद जो हम ट्रेडिशनल आइटम जो सीखते हैं जो कि हमारे पुराने ट्रेडिशन से चले जा रहे हैं, जो गुरुओं ने जिनकी कॉम्पोजिशन कही है उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं, लेकिन आप नए एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं, नए रागों को लेकर जैसे आप कह रहे हैं रागों को लेकर या अपने आइटम को लेकर हम न्यू कोरियोग्राफी करते हैं,
नए तरीके से नए आयाम को लेकर जोड़ते हैं और इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये तो कहना चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल आइटम है उसमें भी आप अगर आप गुरुजी से सीखे हैं और गुरुजी के सारा उन चीजों को ग्रामर को रखते हुए आप देखिए कोई भी कला है उसमें जो इंडिविजुअल होता है उसका अपना एक अलग से एक मतलब मैं बोलूंगी एसेंस आता है। जो कुचिपुड़ी या जो गायक की बड़े गुरु लोग कर रहे हैं और वो ही हम उनसे सीखते हैं तो उसमें हमारा क्या योगदान रहता है वो तो हम जरूर ऐड करते हैं ना। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य में एक्सपेरिमेंट करने की कोई मनाही नहीं है। बट एक दायरे में रहकर, ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब इधर उधर से कुछ भी कर दें, उसका एक दायरा है। अपने ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए आप जरूर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा एक प्रश्न और बड़ा स्वाभाविक सा दिमाग में आया मेरे अभी बात करते करते कि जब आपने 5 साल कथक सीखा था और उसके बाद आपने तय किया कि नहीं अब कुचिपुड़ी में जाना है तो वो जो कथक की तालीम थी, कथक की जो शिक्षा थी उसका कोई फायदा मिला इसमें या वो पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज करना पड़ा अपने दिमाग में कि नहीं ये भूलना पड़ा कि मैंने 5 साल कथक भी सीखा है और बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। बिल्कुल हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब मैंने शुरू में तो ऐसा रहा कि कुछ कथक की भी क्लासेस ले रहे थे, कुचिपुड़ी की भी, लेकिन हमारे जो गुरु थे उन्होंने बोला कि आपको कथक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो कथक स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है और कुचिपुड़ी बिल्कुल अलग है। कथक सीखने से हमें बहुत फायदा हुआ, ऐसी बात नहीं है, कोई भी शिक्षा बेकार नहीं जाती है। उसमें हमें ताल का ज्ञान हुआ, अंग संचालन, पथ संचालन, इनका थोड़ा नॉलेज हो गया, थोड़ा थोड़ा जो हमें ज्ञान मिल पाया वो जरूर आगे जाके काम आया। कथक का ग्रेस जो है वो चीज बिल्कुल दूसरे स्टाइल में आने के बाद उसमें और एनहेंस हो जाती है। कोई भी जो आप बेसिक सीखते हैं और दूसरे स्टाइल को अपनाते हैं तो उसमें वो चीज ऐड हो जाती है, कभी खत्म तो नहीं हो पाती है। मुझे लगता है आज भी मुझे याद है, सब चीजें याद है जो मैंने सीखी थी कथक में। हालांकि अब प्रैक्टिस तो कुचिपुड़ी ही करते हैं ज्यादा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कथक का भी वो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अगर जैसे कहते हैं ना कि हर हर गुरु अपने शिष्य को एक समय तक सिखाने के बाद ये कहता है कि हाँ अब तुम मेरे हिसाब से इस लायक हो कि स्टेज पे जाओ और स्टेज पे जाकर मेरा नाम आगे बढ़ाओ या मेरे काम को आगे बढ़ाओ या इस कला को ही आगे बढ़ाओ, तो उस तरह के कुछ शुरुआती परफॉर्मेंसेज होते हैं। आपके ऐसे कौन से शुरुआती परफॉर्मेंसेज हैं जो आपको अभी याद आते हो? सबसे पहले तो मेरे युवा महोत्सव सबसे ज्यादा मुझे याद है क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला मतलब स्टेज परफॉर्मेंस था जो मैंने किया। और उसके बाद मतलब जो प्रोत्साहन मुझे सभी से मिला, मतलब सब मित्रों से, सब क्रिटिक से, सब गुरुओं से जो प्रोत्साहन मिला, उसकी वजह से फिर आगे बढ़ने का एक और मन में उम्मीद आई कि नहीं और अच्छा करना है और बढ़ना है। इसके अलावा मुझे और भी जैसे ICCR में हमने प्रोग्राम किया, ICCR से हम अब्रॉड गए, मतलब एक टूर मिलता है जब आप ICCR के पैनल में रहते हैं तो उसमें मुझे साउथ अफ्रीका का टूर मिला था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यादगार मेरी ट्रिप रहा वो। तो इस तरीके से मैं और बताना चाहूंगी कि मेरा चेन्नई में महाबलीपुरम में जो पहला मेरा अच्छा यादगार परफॉर्मेंस रही मैंने किया वहां पर, मतलब एक अलग से ही एक फीलिंग होती है जब हम कहीं फेस्टिवल में जाते हैं और वहां पे आपको प्रोत्साहन मिलता है और एट अ वेरी यंग एज, मतलब शुरुआती दिनों में बहुत ही उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि आज भी अगर आप स्टेज पे जाती हूँ और लोग प्रोत्साहित करते हैं तो अभी भी वो ही फीलिंग है जो एक मतलब यंग मीनू की थी या बड़े होने पर है, तो वो फीलिंग वही है कि आप यू फील एनकरेज, यू फील कि नहीं अभी और अच्छा करना है। तो कलाकार के लिए मतलब ऑडियंस का आपको एक्सेप्ट करना और आपको प्रोत्साहित करना बहुत बहुत मायने रखता है। आप अभी थोड़ी देर पहले कोरियोग्राफी की बात कर रही थी, एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही थी और दो
प्रोडक्शंस आपके ऐसे हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा, एक समर्पण और एक यशोधरा, इसके बारे में भी बताइए। और किस तरह की ये प्रस्तुति थी, कैसे कंसीव किया आपने उसको, ये पूरा दोनों प्रोडक्शंस के बारे में बताइए प्लीज। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि यशोधरा मतलब ये भी एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा मुझे। तो जब मुझे ये अवसर मिला कि आपको यशोधरा के ऊपर काम करना, वो लाइव करना है और टाइम हमें सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते का दिया गया, तो मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग। और पूरा स्क्रिप्ट, पूरे बुक्स, पूरा उसका पूरा बिलीव नहीं करेंगे, पूरा रात भर बैठ के मैंने स्क्रिप्ट खुद बनाया उसका, किस तरीके से उसको हम एक ड्रामा बनाए। वैसे तो बुक्स में सभी दिया हुआ है, लेकिन उसको डांस के स्क्रिप्ट पे मैंने खुद बनाया। और उसके बाद म्यूजिशियंस के साथ बैठ के पूरा म्यूजिक तैयार करके लाइव परफॉर्मेंस किया हमने इसका, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और दिल्ली में इसका शो हुआ था और ऑडियंस में मैं ये कहूंगी कॉलेज के बच्चे थे, और पूरा कॉलेज के बच्चों के सामने उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से रिसीव किया। और मेरी तरफ से भी, मेरे स्टूडेंट भी थे इसमें मेरे साथ, और सभी को काफी अच्छे से मतलब सराहा गया। और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था कि यशोधरा का जो कैरेक्टर था मुझे बहुत ही मतलब टच किया उसमें, मतलब मुझे बहुत फील हुआ कि किस तरीके से उन्होंने मतलब यशोधरा जी की कहानी, आपको भी पता है स्टोरी कि जब वो सिद्धार्थ जी चले गए तो उन्होंने किस तरीके से अकेले अपने जीवन को में क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या देखा, और किस तरीके से पूरे जीवन को अपने समर्पित करने के बावजूद अपने एक तरह से राहुल की पूरी पूरी जिंदगी में उसको बड़ा किया, और किस तरह से नारी जीवन का एक पूरा उसमें निचोड़ है कि मतलब औरतें कितनी सहनशील होती हैं, और उस और किस तरीके से वो पूरे जीवन में अपने आप में ही, अगर समय थोड़ा ठीक नहीं होता तो भी अपने आप को दिखाने के लिए, खुश दिखने के लिए वो पूरा मतलब एक बताती हैं संसार को कि नहीं, अगर कठिनाई है तो भी आप खुश रहिए, तो भी आगे बढ़ते रहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही प्रभावित हुई उनके कैरेक्टर से, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये नृत्य नाटिका करने। 1900 जी आप कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ मैंने और भी एक दो मतलब नृत्य नाटिकाएं कोरियोग्राफ की हैं। बिल्कुल, चरितम भी है क्योंकि वो मेरे बहुत दिल के बहुत करीब है, उसमें भी हमने बहुत मेहनत की, और उसमें हमने सभी ग्रहों के जो कथाएं लेकर उनके ऊपर जो कोरियोग्राफी की उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा मुझे। और ऐसे ही मैंने समर्पण में मीरा जी का दिखाया, तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे चीजें, त्रिलोक रक्षिणी उसमें मैंने माँ दुर्गा का पूरा वो दिखाया कि किस तरीके से नारी शक्ति जो है वो कुछ भी कर सकती है किसी भी सिचुएशन में, कभी भी बिना घबराए वो उसको पूरा मतलब निभा सकती है या उसको सामना कर सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।